स्केलर की 200 पोस्ट पर वैकेंसी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने रिसेंटली रिलीज की थी, और उसके बाद UKSSC और UKPSC ने अपना कैलेंडर जारी किया कि इस डेट से लेकर इस डेट तक इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। फाइनली जो है अब जो है स्केलर का जो है शारीरिक दक्षता और शारीरिक मापजोक होने वाला है। 15 मई डेट दी गई है, तो किन किन केंद्रों में ये परीक्षाएँ होंगी, कैसे होगी, पूरी जानकारी जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने शारीरिक मापजोक और शारीरिक दक्षता के संबंध में एक लेटेस्ट अपडेट जारी किया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, विषय है आयोग द्वारा उत्तराखंड वन विकास निगम की विज्ञप्ति जो है स्केलर की पदों की शारीरिक मापजोक और दक्षता परीक्षा के संबंध में ये विषय लिखा गया है। और इसमें अवगत कराना है कि आयोग द्वारा दिनांक 14 मार्च 2024 को जो वन विकास निगम में भर्ती रिलीज हुई थी स्केलर की 200 पोस्ट पर, अब उसका जो शारीरिक मापजोक होगा वो होगा 15 मई 2024 से, और ये 5 केंद्रों में होने वाला है। अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, टेहरी है, पौड़ी है और उत्तरकाशी। इन 5 जनपदों में ये भर्तियों को कराया जाएगा। यहाँ पे आपकी शारीरिक मापजोक और शारीरिक दक्षता परीक्षाएँ कराई जाएंगी। साथ ही उपरोक्त शारीरिक मापजोक एवं दक्षता परीक्षा की व्यवस्था आदि के संबंध में दिनांक 2 मई 2024 को माननीय अध्यक्ष और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की अध्यक्षता में उत्तराखंड वन विकास निगम के अधिकारियों के साथ आयोग कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसका कार्यवृत्त आपके कार्यालय को प्रेषित किया गया है। उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कार्यवृत्त के बिंदु संख्या 4 में शारीरिक मापजोक और शारीरिक दक्षता हेतु समिति में प्रभारी वन अधिकारी होंगे के स्थान पर प्रभारी लैंगिक प्रबंधक स्तर के अधिकारी समिति का अध्यक्ष होगा, अतः उपरोक्त अनुसार अवगत होने का कष्ट करें। तो यहाँ पर आपका जो फाइनली फिजिकल होने वाला है वो 15 मई 2024 से होने वाला है, जो कि 5 केंद्र में होगा। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटी होंगी इसके बारे में आप पहले से ही अवगत हैं, इसके बारे में पहले से ही मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है चैनल पर जाके, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। तो फाइनली रिलीज हो चुका है, तो आप तैयारी आप कर लें, काफ़ी कम समय बचा हुआ है आपके लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। लेटेस्ट जानकारी के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ।